तक का जो सफर था ना भाई, दिल खुश कर देने वाला सफर। पैशन सब कुछ कराता है, और ये मेरा मोटरसाइकिल राइडिंग का पैशन जो है वो मुझे नई नई जगहों पे लेके जाता है। मेरे आसपास की जगहें बेहद खूबसूरत हैं और मैं अक्सर घूमता रहता हूँ। आज की राइड पे मैं पिलिंग, जो कि एशिया की हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है, वहाँ से होते हुए राजगुंथा वैली तक की यात्रा करूँगा। मैं तो इस सफ़र का आनंद लूँगा ही, मेरे साथ आप भी इस सफ़र के आनंद का अनुभव अवश्य करेंगे। दोस्तों, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका एक लाइक, एक शेयर एंड एक कमेंट मुझे बहुत प्रेरित करता है ऐसी ही नई जगहों पे जाके मज़ेदार वीडियोस बनाने। पैराग्लाइडिंग साइट एट बीट 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड में है, और बिलिंग टेक ऑफ, जहाँ से टेक ऑफ करते हैं साइट एट बिलिंग, 18 किलोमीटर है। होम स्टे होटल बना रखे हैं इधर रहने के लिए, टूरिस्ट बहुत आते हैं ना इधर, कोई पैराग्लाइडिंग सिखाते हैं भी है इधर। अगर आपको पैराग्लाइडिंग सीखनी है तो इधर ट्रेनिंग भी होती है उसकी। गुनेहर ग्राम पंचायत जो है उसकी सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, और अभी ऐसा ही रास्ता मिलेगा जंगलों के बीचों बीच में, बस आपको थोड़ा सा हॉर्न देते हुए चलना है, बिकॉज गाड़ियाँ इधर आती हैं स्पीड से। जो लोकल है ना वो मास्टर बन गए हैं इन रास्तों पे चलाने के ना, तो वो अपने धुन में चलते हैं। मैंने राजगुंदा का जो मैप है जानबूझ के लगाया, वैसे मेरे को रोड पता है, सब पता है, मैंने अभी तक नहीं लगाया था। मैं चेक करना चाहता था कि इस रूट से ना दिखाता है राजगुंदा का रूट इस रोड से, पर नहीं दिखा रहा है। बीड से होके, बिलिंग से होके नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपको बरोड से होके। ये क्या भसड़ है, कितने की टिकट है अगर ये राजगुंदा तक पक्का हुई रोड भाई, ये मैप चीज़ें दसा था नहीं। यहाँ इन्होंने एक चेक पोस्ट बना रखी है, 20 रुपये का टिकट लगा बाइक का, गाड़ियों का नहीं पता कितने का है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा लेट आया आज दिन में ना, बिकॉज अगर मॉर्निंग में आते तो यहाँ पे धुंध मिलती और आप कुछ नहीं देख पाते। तो भाई राइड करने का यही मजा है, ऐसी जगहों पे राइड करो बस, जंगलों के बीच में, नेचर के बीच में, आनंद ही कुछ और है, नेक्स्ट लेवल का ही सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे राइड करने से। चलो जी, मैं पहुंच गया बिलिंग, जनता बहुत है भाई इधर आ रखी है ना, इसलिए मैं आया हूँ कि पैराग्लाइडिंग हो रही है इधर, और रुकूंगा कहाँ पे, यहीं रुकूंगा भाई, यहीं रुकूंगा मैं भी, जनता बहुत है इधर। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ बिलिंग में, जिसे बोलते हैं पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे 2400 मीटर की ऊंचाई से टेक ऑफ करते हैं, और जो लैंडिंग साइट है बीड जो है वो 1300 मीटर की ऊंचाई पे है सी लेवल से, तो वहाँ पे जाके लैंड करते हैं।
तो चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, टाइम 2 बज चुके हैं, फिर निकलूँगा आगे राजगुंदा के लिए। मैं आगे इधर हैं छोटे छोटे शॉप्स हैं, कैफ़े टाइप के हैं, जहाँ आपको मिल जाएगी मैगी वगैरह, मिल जाएगी खाना भी मिल जाएगा। लोकल है ना, वही करवाते हैं पैराग्लाइडिंग इधर। उनसे पूछा तो एक फ़्लाइट का आपको यहाँ से पड़ेगा 2500 के आसपास, और यहाँ से वो फ़्लाइट रहेगी आपकी 15 मिनट से आधा घंटा के बीच में रहेगी। राजगुंदा तक रास्ता ठीक है, इनसे पूछा भाई से। और मेरे ख्याल से एशिया की हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट भी है ये, बीड बिलिंग जो है। तो अभी आ गए अपने, लंच आ गया, कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई लंच कर लिया, पेट पूजा हो गई अपनी। देखते हैं ऊपर कुछ है, झंडे झुंडे बड़े लगा रखे हैं, पर वो चलने की हिम्मत नहीं है अभी, खाना बहुत खा लिया मैंने। चलो भाई लंच लंच कर लिया और अभी मैं निकल रहा हूँ आगे के लिए। जब मैं लास्ट टाइम गया था तो ये पूरा कच्चा था, पूरा ऐसा। अभी तो इसमें काम चल रहा है ना, रिपेयर पूर हो रही है, डंगे भी लग रहे हैं, पक्का भी करा है। पीछे था वैष्णो माता जी का मंदिर, यहाँ टेक लिया हमने माथा। और हनुमानगढ़ मंदिर है ना, यहाँ से कहीं 5 किलोमीटर ट्रैक है कहीं ऊपर, या तो ये रास्ता जाता होगा या कहीं उस साइड से होगा। चलते हैं आगे। और ये जो चाइना पास है वो इस जगह का नाम ही है चाइना पास। ये बछड़ा कहाँ जा रहा है, भाग रहा है मेरी बाइक को देख के। यार तो इतना ब्रेव है, क्यों भाग रहा है? बछड़ा तो थोड़ा बड़ा ही हो गया था, बछड़ा नहीं बोल सकते इसको। राजगुंदा में भी आपको ना जो हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे, और क्या होगा, और होम स्टे हो गए, होटल होंगे, मिल जाएंगे सारे। आते हैं बाहर की स्टेट्स के लोग आते हैं इधर, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं, सभी आते हैं इधर। ये है भाई राजगुंदा, एट लास्ट मैं पहुंच चुका हूँ राजगुंदा। हाँ नज़ारे भाई एक से एक बढ़ के हैं भाई। भाई मैं पहुंच चुका हूं राजगुंदा, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां तक का जो सफ़र था ना भाई, दिल खुश कर देने वाला सफ़र भाई। मैं बोल सकता हूं कि रास्ता बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, सुंदर, मज़ा आ गया भाई, दिल से सेटिस्फेक्शन मिला आज की राइड पे ना मुझे। भाई मैंने ऑर्डर की है चाय, चाय पीते हैं। और ये जो राजगुंदा है ना, यहाँ पे नेटवर्क आता है जियो का ओनली, और पावर सप्लाई वगैरह की तो बायस वगैरह दिख रही है, तो बिजली वगैरह तो होगी इधर। चाय पी ली और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे रिवर व्यू पॉइंट तक, फिर वापस आऊँगा वहाँ से। और टाइम अभी हो रखा है 3:45 हो गए। राजगुंदा में ना नवंबर दिसंबर में बर्फ पड़ जाती है, 7-8 करती है।
यहाँ से फिर आगे चले जाओगे तो दूसरी वैली स्टार्ट हो जाती है और ये रास्ता सीधा आगे ब्रॉड के लिए निकल जाता है। तो मैं मुझे ब्रॉड तो नहीं जाना है, मैं जाऊँगा वापस इसी रास्ते से। तो बस मैं यहाँ तक ही आना था मुझे, और जैसे कि हर सफ़र में ये बाइक अपना साथ देती है, थैंक यू साथ देने के लिए, आज फिर से इसने मेरा साथ दिया है। सो गाइज ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और जो चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आप सभी से एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, राइड सेफ, स्टे सेफ।